जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो आज का गुफ्तगू का उन्वान है वो है मीडिया नैरेटिव्स एंड फेक न्यूज, ट्रस्ट मी आई एम लाइंग। तो मेरे ख्याल से पहला सवाल तो यही है कि एक जमाना था जब खासतौर से डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स वगैरह में अक्सर ये लाइन रिपीट की जाती थी कि यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर फैक्ट्स। यानी आपकी अपनी राय तो हो सकती है, आप अपनी राय का इंतखाब तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अपने खुद की हकीकतों का ये नहीं कर सकते हैं, आपके पास में खुद की हकायक नहीं हो सकते। हकायक तो बहरहाल जो मौजूद होते हैं आपको वही लेने होते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद आज जो है ये जो मुहावरा है ये सादिक नहीं आता है, ये मुहावरा आज जो है चल नहीं सकता है। और उसकी एक वजह ये नजर आती है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो पूरा मीडिया का एनवायरनमेंट है उसमें कहीं ना कहीं तमाम मीडिया हाउसेस जो है अपने खुद के जो है फैक्ट्स इन्वेंट कर रहे हैं, अपने खुद के हकायक दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ मेहताब साहब से कि क्या वजह है कि हम इस जंक्शन पर आ गए हैं, हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि जहां पर फैक्ट्स जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं रह गए हैं। शुक्रिया मुसब साहब, शुक्रिया अलीगढ़ लिटरेरी फेस्टिवल मुझे इस फेस्टिवल में इनवाइट करने का और इस मौजू पर जो मेरी समझ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जो मेरा मुताला है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फेक न्यूज़ का मामला हो, चाहे फॉल्स नैरेटिव का मामला हो, चाहे प्रोपेगेंडा का मामला हो, चाहे हेट कैंपेन का मामला हो, ये तमाम चीज़ें कोई नई नहीं है। मतलब अगर आप मुताला करें, आप देखें तो ये एक लंबे अरसे से हो रहा है, बल्कि ये कहना गालिबन गलत नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि जब से मीडिया का इजाद हुआ है, जब से कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, तब से ये चीज़ें होती रही हैं। अलबत्ता जो चीज़ देखने को मिल रही है हाल के बरसों में और इन रिसेंट ईयर्स व्हाट वी हैव बीन विटनेसिंग इज बेसिकली उसका स्केल और उसका नेचर बहुत तब्दील हो गया है, और उसका उसका जो कनेक्शन है वो बहुत सारी चीज़ों से वो कनेक्ट की जा सकती हैं। तो अब उसमें जो दो चीज़ बहुत अहम है मेरे एतबार से, वो ये कि खुद मीडिया का जो नेचर चेंज हुआ है वो इसमें उसने इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है। आप देखेंगे, आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं थे कि तब जब फैक्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था, ओपिनियन और फैक्ट्स में एक डिफरेंशिएशन होता था एक ज़माने में, लेकिन उस वक्त भी फैक्ट्स और फेक न्यूज़ होता था, नैरेटिव, फेक नैरेटिव एंड फॉल्स नैरेटिव वर्ल्ड बिल्ट अप बनाए जाते थे। इसी तरह से आप देखेंगे हेट कैंपेन उसके उस ज़माने में भी होते थे। अगर आप देखें, मतलब प्री टेलीविजन एरा को भी आप देखें, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि बहुत सारे अखबार लगातार जो है वो एक ख़ास किस्म की नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग जबानों में। तो ये बात, लेकिन टीवी लेकिन ये हुआ कि ये जो पहले टीवी का आना और टीवी का जिस तरह से मतलब फैलाव हुआ और जितना मतलब जो एक्सेसिबिलिटी हुई, टीवी घर घर टीवी पहुंच गया। अगर आप देखें कि 90s में या अर्ली 2000 में फॉर दैट मैटर हर घर में टीवी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा घर ना हो जिसमें टीवी ना हो। लेकिन अगर हम टीवी को छोड़ भी दें तो टीवी के अलावा, मतलब अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दें, हाँ टीवी ने एक मतलब उस फासले को कम किया, क्योंकि एक ज़माने में सब तमाम घरों में अखबारात नहीं आया करते थे और अखबारात नहीं आते थे। अगर कोई प्रोपेगेंडा माउथ टू माउथ होता भी था, वन टू वन होता भी था, तो उसको पहुंचने में बहुत वक्त लगता था।
लेकिन जब से ये सोशल मीडिया, इंटरनेट और खास तौर पर व्हाट्सएप और इस तरह के मैसेंजर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इनने चीज़ों को बहुत आसानी फराहम कर दी है। और जो बेसिक्स होते थे किसी भी खबर को लेकर के, कि ये बात किसने कही, कब कही, क्यों कही, किस कॉन्टेक्स्ट में कही, ये चीज़ें हम लगभग पूछना भूल गए हैं। जब पहले हम तक कोई खबर पहुंचती थी तो हम ये मालूम करने की कोशिश करते थे, या कम से कम ये पूछते थे कि इसका सोर्स क्या है, किसने ये बात कही है, जो आज के वक्त में नहीं हो रहा है। हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज रिसीव करते हैं, हमको मौसूल होता है, और अगर वो हमको इंटरेस्टिंग लगता है, हमारे जो बायस है, हमारी जो समझदारी अगर उसको कन्फर्म करता है, तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो बात कितनी सही है या गलत है। तो ये भी चीज़ है। ऐसा नहीं, तो एक चीज़ तो ये है कि जो मीडियम में तब्दीली आई है, जहाँ तक टेलीविजन के मीडियम की बात है, तो उसके बारे में जितना मतलब कम कहा जाए मेरी राय में बेहतर होगा, क्योंकि मेरा बुनियादी तौर पर मानना ये है कि वो जो मीडियम और उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, मतलब उसका जो बिजनेस मॉडल है, वो एसेंशियली ऐसा है जिसमें अगर वो ये नहीं करेंगे, हाँ, मतलब एक तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मीडिया है और जो खासतौर पर टेलीविजन का मीडियम है, वो एसेंशियली इंफोटेनमेंट हो गया है। जी, 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 हम जी, आज जी, के जमाने में हम जब टेलीविजन देखते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने आप को इन्फॉर्म करने के लिए देखते हैं, वो एसेंशियली इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। हम देखते हैं कि किसने किसको पछाड़ दिया, हाँ, डिबेट में क्या होता है, यही होता है, किसने किसको डिमोलिश कर दिया, कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने फलाने शख्स को डिमोलिश कर दिया, संबित पात्रा का मजाक बना, संबित पात्रा ने कांग्रेस के फलाने शख्स को डिमोलिश कर दिया, यही होता है। तो और उसी को टीआरपी मिलती है, उसी को बिजनेस मिलता है, उसी को एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो ये उससे 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 भी कनेक्टेड है। जहां तक फेक न्यूज का मामला है, तो आप ये भी गौर करने की बात है कि आज के जमाने में जो फेक न्यूज है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फैलाया जा रहा है, जो पहले नहीं था। और दूसरी बात यह है कि न सिर्फ कि उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको फैलाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उसके पीछे ऐसी ताकतें हैं जो कि जिसकी वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे सियासी और सामाजिक, सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सामाजिक भी ऐसे फोर्सेस मौजूद हैं जिसकी वजह से गलत मतलब फेक न्यूज फैलाने वाले को, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि लोगों को पता नहीं है कि ये फेक न्यूज है, और तो वो भी चीज है। और इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं जो सियासी या जो पावर में लोग हैं, कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें, ये जो फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, फॉल्स नैरेटिव है, हेट कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं जो है वो आप देखें कि उसको पॉलिटिकल डिविडेंड पे करता है। तो ये चीज है। इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बहुत मतलब मुख्तलिफ है पहले के जमाने से, और ये दिन ब दिन पेचीदा, कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, जिसमें हम फेक और रियल न्यूज में डिफरेंशिएट करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया। जहां तक फैक्ट्स और ओपिनियन की बात है, जो आपने कही कि एक जमाना होता था, तो मैंने जैसे कहा कि किसी जमाने में ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें नहीं होती थी, पर स्केल और उसके नेचर का फर्क है। अलबत्ता हमको इस पर भी गौर करना चाहिए कि फैक्ट्स, जिसको कि हम सेक्रोसेंट समझते हैं और समझते हैं कि फैक्ट्स है तो सही ही होगा, वो मेरा जाती तजुर्बा और मेरी राय ये है कि ऐसा नहीं कि सारे फैक्ट्स जो हैं वो सही होंगे, क्योंकि फैक्ट्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, हाँ, कैसे उसको परोसा जा रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो हो सकता है कि कोई ये दावा करे कि हम फैक्ट्स की बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो उसको पेश कर रहा हो है, जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में और जैसे उसको वो सामने ला रहा है, वो अपने आप में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये भी हमको देखने मिल रहा है कि हाल के दिनों में, चाहे वो टेलीविजन का मीडियम तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आप देखें जो अखबारों का और खासतौर पर जो डिजिटल मीडियम है, उसमें खबरों को जिस तरह से पेश किया जा रहा है जी। और खबरें जिस तरह से पेश की जा रही हैं, तो वो ओपिनियन के फॉर्म में, ओपिनियनेटेड फॉर्म में ज्यादा किया जा रहा है। एक आखिरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहूंगा, जो मेरा खुद का तजुर्बा मीडिया हाउस में और मीडिया मतलब न्यूज रूम में काम करते हुए मुझे ये महसूस हुआ, और ऐसा मेरे दूसरे साथियों ने भी बताया कि अगर आप कोई नुआंस्ड बात कहते हैं तो आजकल वैसे सुनने वालों की कमी, मतलब तादाद बहुत कम है। हाँ, हर एक आदमी को आप ब्लैक एंड व्हाइट में बताएं, हाँ, तो और हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हाँ, हक और बातिल का मसला हर चीज में नहीं होता है, बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं जिसको आपको जाना पड़ता है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि ताबूत है और दूसरी चीज जो है अनल हक है, तो वो चीज भी वो उसकी वजह से भी इन चीजों को परवान मतलब ये चीजें परवान चढ़ती हैं। और कहीं ना कहीं हम, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ये समझता हूँ कि आप एक लिमिट तक ही फेक न्यूज को, फॉल्स नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग और बाय गिविंग से रियल पिक्चर। पर जब ये चीजें, क्योंकि आप ये देखिए कि मकसद ये नहीं होता है कि ये सच है या गलत है, मकसद एक नैरेटिव बनाना होता है और उसके लिए खास और कुछ खास बातें कही जाती है। वो बोलने वाले को भी पता है कि ये गलत बात है, सुनने वाले को भी पता है कि ये गलत बात है, लेकिन उससे एक नैरेटिव बन जाता है। हाँ, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जब लोगों के बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं, खास तौर पर सबको पता होता है कि ये ऐसा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें एक चीज जो हम समझना चाहते हैं कि ये जो हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में फेक न्यूज आ रही है, या फिर जो एक तरह से एक्सपोनेंशियल राइज हम देख रहे हैं, चाहे नफरत हो, प्रेजुडिस हो, या जो आउटराइटली कम्युनल बिहेवियर जो मीडिया में और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आज हमको दिखाई दे रहा है, क्या चीज उसको ड्राइव कर रही है? क्या वो जो ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल बन गया है उसकी वजह से ये चीज हो रही है, या फिर स्ट्रेट अवे ये स्टेट का दबाव है जिसके नतीजे में ये चीजें हमको दिखाई दे रही, या फिर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी वैसी हो गई है जिसका परतो जो है हमको मीडिया में दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से ये तीनों चीजें हैं, और इन तीनों चीजों की वजह से ऐसा हो रहा है। एक तो ये है कि बिजनेस मॉडल है, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसी है जिसकी वजह से उनको लगता है कि हम इस तरह की खबरें चलाएंगे तो। और आप इस तरह से भी देख लीजिए, एक चीज है कि जो टीआरपी में जिस तरह की छेड़छाड़ होती है वो चीज, हाँ, उससे इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप उसके बावजूद भी देखें, हम अपने आसपास देखें, हम अपने दोस्तों को देखें, हम अपने घर वालों को देखें कि वो किस तरह की खबरें देखते हैं, किस तरह के की चीजों को पढ़ते हैं, वो कितने नुआंस्ड, मतलब चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजर है, जिसको जो एडवर्टाइजमेंट देता है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो ये देखता है कि इसका रिटर्न हमको कितना मिल रहा है। सिमिलरली हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी जमाने में हो सकता हो कि मीडिया एक मिशन हो लोगों के लिए, पर आज मीडिया मिशन नहीं है। और मैं मीडिया को, मेरे हिसाब से मीडिया को मिशन होना भी नहीं चाहिए, मतलब आज के हालात में। और मेरी जाती राय ये है कि मीडिया को एक प्रोफेशनल
मतलब प्रोफेशन के तौर पर मतलब प्रोफेशनल उनका उसका तरीका होना चाहिए और उसके जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं मीडिया के बिजनेस होने का बिल्कुल मतलब पूरी तरह से मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया का एक बिजनेस होगा, उसका एक बिजनेस मॉडल होगा, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, उसके बिना चीजें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो ये चीज है। दूसरी बात उसके अलावा वो ये है कि जो 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 पॉलिटिकल पैटर्नेज हासिल है उसकी वजह से भैया, और तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर हाँ हम सोसाइटी एट लार्ज ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो कॉन्शसली करें चाहे सबकॉन्शसली करें, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। जब तक ये तीनों चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा, जब तक ये चीज़ों तीनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जी माफ करना, असल में मेरा म्यूट हो गया था। मेरे ख्याल से चूंकि हमारे पास में वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ चीजें जो है सोल्यूशन के हवाले से गुफ्तगू करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पहला सवाल तो यही है कि चूंकि पूरा फेक न्यूज जिस तरीके से आपने बताया कि वो चीज इंसेंटिवाइज हो गई है, तो क्या तरीका है कि हम उस इंसेंटिव को जो है खत्म करें, किस तरीके से जो है वो मतलब उस चीज को उतना लुक्रेटिव ना रखा जाए, उसका क्या तरीका हो सकता है अगर हो सकता है तो? देखिए दो, मुझे लगता है जैसा हमने मैंने पिछले पिछले मतलब पिछले सवाल के जवाब में ये कहा कि ये तीनों चीजें हैं। एक तो जो बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस है उसकी वजह से, दूसरा पॉलिटिकल पैटर्नेज जिस तरह की हासिल है उसकी वजह से, और तीसरा जो है समाज का एक बड़ा तबका इन चीजों को पसंद करता है या प्रमोट करता है, कॉन्शसली भी हो सकता है अनकॉन्शसली भी हो सकता है, कोई कोई जरूरी नहीं है कि सब चीजें कॉन्शसली। तो मुझे लगता है सॉल्यूशन भी इसी में है। तो एक तो यह है कि कुछ चीजें स्टेट के करने की हैं, स्टेट की जो एजेंसीज हैं, जो इदारे बनाए गए हैं उनको करने के, कुछ चीजें खुद मीडिया को करने की हैं, कुछ चीजें जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको करने की हैं, और कुछ चीजें समाज को करने की है। तो मसलन ये है कि मुझे लगता है कि एक जो अहम चीज की जरूरत है हम सबको करने की, और खासतौर पर जो ऐसी तंजीमें हैं जो कि समाज में काम करती हैं, तलबा बिरादरी के साथ काम करती हैं, या समाज के अलावा अलग तबकात के साथ काम करती हैं, उनको उनके करने की है, वो ये है कि मीडिया लिटरेसी की आज बहुत बहुत ज़रूरत है, उसको प्रमोट करने की, उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अंजाम देने की ज़रूरत है। ये काम मुझे लगता है फेक न्यूज को काउंटर करने से ज्यादा अहम है, इसलिए कि जब तक मेरा कहना यह है कि हमको लोगों में एप्टीट्यूड डेवलप की करने की जरूरत है, जिसकी बुनियाद पर वो हर खबर जो उस तक पहुंचे उसके बारे में सवाल कर सके, उसको क्रॉस चेक कर सके, और फिर उस पर यकीन करे या उसको आगे बढ़ाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो फेक न्यूज की इंडस्ट्री है, जो लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, चाहे सियासी तौर पर उठा रहे हों, चाहे मादी तौर पर उठा रहे हों, चाहे सामाजिक तौर पर उठा रहे हों, वो जो ये समाज में मौजूद ये जो एक तरह का समाज में जो मौजूद जो जो चीज है उसका ये फायदा उठाते रहेंगे। तो मीडिया लिटरेसी करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हुआ ये है कि चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन क्या हर इत्तला खबर है? ये अपने आप में सवाल है। तो बैक टू बेसिक्स, मेरा ये कहना है कि बैक टू बेसिक्स में जाना पड़ेगा, जिसमें
जो बुनियादी सवाल है वो पूछ हर कंज्यूमर को या हर रिसीवर को जो वो न्यूज कंज्यूम कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको पूछने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर तो वो एक जो रिश्ता होगा जो कंज्यूम कर रहा है वो उससे सवाल करना शुरू करेगा। और खास तौर पर अगर वो ऐसा अगर इन्वेस्ट मतलब अगर सब्सक्राइब करके मसलन अगर मैं कोई YouTube चैनल सब्सक्राइब करता हूँ और उसके लिए मंथली 5 रुपए देता हूँ, 10 रुपए देता हूँ, 100 रुपए देता हूँ, और अगर मेरे अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या, तो हम फिर उससे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो वो भी चीज है। तो सब्सक्रिप्शन का वर्क तो तीसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके साथ भी मतलब उन पर भी हमने हाल के दिनों में देखा कि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने अलग अलग टीवी चैनल से वेबसाइट से मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ कर लिया किया वो इस वजह से कि जो जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने उसको लेकर के सवाल उठाया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस एडवोकेसी की भी जरूरत है। और साथ में जो इदारे हैं सरकारी जो मौजूदा हैं उसको रोबस्ट और फंक्शनल बनाने की जरूरत है। मसलन अगर हम प्रिंट मीडियम को लें तो जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट है, वो सरकार का एक एक्सटेंशन के तौर पर काम करता है जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिमिलरली जो ब्रॉडकास्ट मीडियम को टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए जो इदारे हैं वो एसेंशली ओनर्स जो ओनर्स हैं वही चलाते हैं चाहे तो उनसे ये उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है। तो इन चीजों को फिक्स करने की जरूरत है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिल करके बैठने की और डिलिब्रेशन करने की जरूरत है क्योंकि कहीं ये तो हल नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हुकूक दिए गए हैं आज़ादी राय के आज़ादी ख्याल के उस पर कदगन लगाया जाए क्योंकि अगर हम उसको एडवोकेट करते हैं हम उसकी मांग करते हैं तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उन कम्युनिटीज को होगा जिनके खिलाफ ऑलरेडी ये चीजें मतलब जो इसके निशाने पर है। हाँ तो अगर ऐसे कवानीन बनते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही होगा जो कि ऑलरेडी मार्जिनलाइज है जो जिनके खिलाफ ऑलरेडी हेट कैंपेन हो रहा है और हमने अलग अलग कवानीन में हमने के जरिए हमने देखा है चाहे वो आप देखें UAPA जैसे कवानीन हो चाहे और दूसरे रिलीजियस मतलब ये आप ये देखें कि IPC के अंदर जो फेक हेट कैंपेन या फिर इश्तियाल अंगेज जो तकरीरें होती हैं हेट स्पीच को कंट्रोल करने के जो सेक्शंस हैं उसका अगर आप उसके इम्प्लीमेंटेशन का आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसका जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज और जो लोग हक की आवाज बुलंद करते हैं उनके ही खिलाफ होता है। जी तो मेरे ख्याल से 2-3 मिनट है, मैं आप अगर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपने एक तो समाज का रोल बताया और एक जो है गवर्नमेंट का रोल बताया और जो बिजनेस मॉडल के ताल्लुक से चीज आई उसको बदलने को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही है और बहुत सारी कोशिशें हुई है, दवायर उसकी एक मिसाल है। मेरा सवाल ये है कि एक क्या ये जो कोशिशें हैं ये क्या एक अच्छा काउंटर साबित हुई है और दूसरी चीज ये कितनी वायबल और सस्टेनेबल आपको नजर आती है ये कोशिशें? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीजें अच्छा साबित हुई है, इसके बारे में there's no doubt about it that it has been very useful, but as far as the question about sustainability is कि हमको आम तौर पर लगता है कि क्योंकि इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट फ्री है, इसलिए इसलिए
क्योंकि वायर या और दूसरे इदारे ऑनलाइन है, उनको प्रिंट नहीं करना पड़ता है, इसलिए बहुत आसान है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इट नीड्स इन्वेस्टमेंट। और अभी भी आप देखें कि न्यूज गैदरिंग, ओपिनियन राइटिंग की मैं बात कर नहीं कर रहा हूं, जो न्यूज गैदरिंग है वो एक कॉस्टली अफेयर है। आपको ट्रैवल करना होता है, आपको लोगों से बात करनी होती है, वो सारी चीजें हैं। तो उसके लिए, और अफसोस की बात यह है कि हाल के दिनों में, और इसीलिए इसकी एक मतलब टीवी न्यूज का ये बुरा हाल इसलिए भी हुआ है कि आप देखेंगे कि जो एंकर्स है, जर्नलिस्ट हैव बीन, मतलब जर्नलिस्ट जो है वो एंकर में तब्दील हो गए। तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पांच लोगों को बुला लेते हैं, उनको हजार हजार रुपया देना होता है और उसको मतलब हजार दो हजार रुपया देना होता है और वो अपनी मतलब बात करते हैं और एक बॉक फाइट हो जाता है, नूरा कुश्ती हो जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जो न्यूज गैदरिंग है वो एक कॉस्टली अफेयर है। जब तक हम उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे और जब तक उसके लिए कोशिशें नहीं होंगी, तब तक इसमें बहुत सारी तब्दीली मतलब नहीं आ सकती है। तो इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे साथ पास फ्री में आती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसको तैयार करने में कोई पैसा नहीं लगता हो। दूसरी बात कि जो चीजें हमारे हमारे सामने फ्री में आती हैं, उसको जाहिर सी बात है कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई पैसा दे रहा होगा, और एन मुमकिन है कि उसका अपना कोई इंटरेस्ट हो। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हर एक आदमी का बहुत मतलब, क्योंकि जो पैसा लगाएगा वो कहीं ना कहीं चाहता है रिटर्न। हम एक रुपया किसी को देते हैं, पांच रुपया किसी को देते हैं, तो हम खुद ये एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम किसी इदारे को भी देते हैं तो वो हम फिर ये कहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। हाँ, तो ये चीज करना होगा और धीरे धीरे मतलब ये चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि इसमें बेहतरी आ सकती है। जी, जज़ाकअल्लाह महताब साहब। मेरे ख्याल से आधे घंटे में जो है काफ़ी तफसील से भी, और मेरे ख्याल से जो चीज़ें कवर करनी चाहिए थी वो बड़े अच्छे अंदाज में आपने कवर करके हमारे सामने रखे हैं। जो टेक अवे मैसेज है, एक तो जो मीडिया लिटरेसी के हवाले से मिला, और जो दूसरा टेक अवे मैसेज है वो जो न्यूज़ को लेकर एटीट्यूड चेंज करने वाली बात के, इसके लिए हमको जो है कहीं ना कहीं, जब तक कि हम पे नहीं करेंगे, जब तक कि अगर हम उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी जेब से डालने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो फिर जिस तरीके से वो कहा जा रहा है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू बिकम द प्रोडक्ट, क्लियरली उस तरह की चीज होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है आज आपका वक्त दिया और हमको जो है इन चीजों को समझने में मदद मिली। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और अलीगढ़ लिटरेरी फेस्टिवल के जिम्मेदारान और ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रिया।